जोर से बोलो जय माता दी। गाइस दोनों ब्लॉगर की हालत खराब हो चुकी है, बन गए ब्लॉगर, हाथ पैर सब कांप रहे हैं। पापा कसम खा रही भाई, जी स्टार्टिंग से ही स्लो थी। कपड़े देखी जाएगी, इसमें चार्जर वगैरह भी है, वो नहीं खोना चाहिए। धूप में क्यों खड़े हो गए आप? उधर बहुत ज्यादा धूप है। यू आर लाइक माता रानी फॉर मी। तो फाइनली हमें रूम मिल गया है और बहुत ज्यादा थक चुके हैं सब, और वो भी काफी ऊपर, बट देखते हैं कैसा है। बट बिल्कुल ना टॉप का व्यू है तो अच्छा आएगा हालत। बोली कितनी अच्छी बात है, मैं बोली थी तो देख कितना फन रूम मिला। परफेक्ट बुला रहे और मैं तब से क्या बोल रही कि ऐसे मिलो। जब चाहे ये यही कर रहे हैं, ये ही कर रहे हैं। जो बंदा जिस चीज में माहिर होता है ना वो चीज करनी चाहिए। तो ये इस चीज में माहिर है। हाँ, इस चीज में। हाँ, तो मैं ये करूँ। तीन चार चिप्स के बड़े बड़े पैकेट निपटा चुके हैं। मामा तो याद हो रही हूँ। हाँ, तो शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम सब रेडी होके हम जा रहे हैं नीचे यात्रा टिकट लेने, और आई गेस 2-3 बजे हम निकलेंगे चढ़ाई के लिए। तो अभी सब रेडी हो गया और मैं आपको घर का व्यू दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइज मैं चढ़ाई के लिए एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी सी घबराई हुई भी, पर आई थिंक हम कर लेंगे। बेशक से धीरे धीरे करना पड़ेगा, लेकिन हम पैदल ही करेंगे। हम कच्चर नहीं लेंगे, कच्चर कच्चर हम खच्चर नहीं लेंगे, और कच्चर तो है थोड़ा, और हम हेलीकॉप्टर भी नहीं लेंगे। हम तुझे दे कौन रहा हेलीकॉप्टर? देते हैं ना हेलीकॉप्टर, तुझे कौन देगा? जो सबको देते वही देंगे, तो दे देगा कोई भी? कहेंगे नहीं, हेलीकॉप्टर गंदा हो जाएगा। तेरे से कहीं होएगी एक बार ऐसे, तब मैं तुझे डाल दूँ, तब मैं तुझे डाल दूँ, मैं डाल दूँ। हाँ, तो फिर हम खाएंगे, ठीक है? तो बट हम पैदल ही करेंगे। सो गाइस हम आ गए अभी मार्केट घूमने। चढ़ाई करने जा रहे, चढ़ाई करने अच्छा नहीं, यात्रा टिकट लेने जा रहे। ब्लॉगर नंबर 2 तो यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, हमें वहाँ पे चढ़ना। जय माता दी। सारे बोलो मिलकर बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी। तू क्यों खड़ा?
जय माता दी, जय माता दी, जय माता। थोड़ी भीड़ स्टार्ट हो जाएगी साथ। गाइस दोनों ब्लॉगर की हालत खराब हो चुकी है। बन गए ब्लॉगर, बन गए ब्लॉग, डल भी गए, सब हो गया। ब्लॉगर की हालत खराब हो गई है। इसमें है, हाँ ये तो है। बहुत ज़्यादा हालत खराब है। बन गया। हाँ। अब तक 1 किलोमीटर तो भाई कर लिया होगा कवर, ज्यादा एक से तो ज्यादा हो गया कवर। शुक्र है, तीन चार कवर हो गया। चलो हाँ, मतलब ऐसी हालत हमारी 1 किलोमीटर में होने चाहिए। अरे यार राशि है तेरे तो भी। हाँ। हाथ पैर सब कांप रहे हैं। ठंडा ठंडा बनाना। ठंडा बनाया। हाँ ये दो बना दो, दो बनवाने हैं ना? नहीं मेरा स्ट्रिंग है। अच्छा इसका स्ट्रिंग, इसका स्ट्रिंग दे दो। आज स्ट्रिंग दे दो मेरी। थोड़ी एनर्जी लेते हैं। ये थम्स अप दो भैया। अरे भाई ₹10 और 30 का वो भैया। कैन नहीं चाहिए, बोतल चाहिए। बोतल वो इधर बोले, इधर बोले। बोतल 20 की है ना? 30 रुपए होते हैं। अरे नेबुआ पानी नमक पी। हां नेबुआ पानी नमक। तो हमने 8-9 किलोमीटर की चढ़ाई कंप्लीट कर ली है और यहां पे आप देख सकते हो लोग कैसे थक के बेचारे सीढ़ियों पे लेटे हुए हैं। और हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है, बट ठीक है। ये रहे हमारे साथी। साथी कैसे लग रहा है? अपनी एक्साइटिंग बट हमारे चेहरे देखो आप। चंद्रवती देवी के साथ पैरों में तो बहुत, पैरों की तो बहुत बुरी हालत है, बहुत ज्यादा बुरी। गोली ने भी गिव अप कर दिया, मतलब गिव अप करने से तो क्या होगा, चढ़ना तो है ही। बट वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है, मैं भी। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और अंदर जो है कैमरा वगैरह और फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं था ले जाना, तो इसलिए अंदर का तो मैंने तो शूट कर नहीं पाई क्योंकि अलाउड ही नहीं था मोबाइल वगैरह कुछ भी, दैट्स वाई। और बस यही है। और अभी हम आए हैं कुछ खाने क्योंकि हम 10 बजे हमने स्टार्ट की थी चढ़ाई यहाँ की, और अभी जो है टाइम क्या हो रहा है, 4 बज गए हैं और हम सिर्फ मतलब लिक्विड ही पी रहे हैं, कुछ खाया पिया नहीं है हमने। चाय बिस्किट ही खाए थे क्योंकि फिर ज़्यादा हैवी कुछ खा लेते हैं तो चढ़ाई फिर होती नहीं, इसलिए कुछ खाया भी नहीं है। और 10 बजे से 4 बज गए और अभी सबकी हालत बहुत बेकार है अभी तो फ़िलहाल। लेकिन दर्शन करके जब अंदर गए ना तो बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा कि हाँ इतनी जो हमने मेहनत की वो सफल हो गई, बहुत सुकून बहुत शांति, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाके। बट पैर जो है वो तो बिल्कुल ही, बस क्या ही बताओ। और मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कैसे हुए पड़े हैं सब के सब, ये देखो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है गाइस। ये भाभी, इसकी तो शक्ल ही अलग बनी पड़ी है, आवाज़ ही नहीं निकल रही इसके मुंह से, सच में आवाज़ नहीं निकल रही। मतलब जो इतना बोलती है लड़की उसकी बोलती बंद है बिल्कुल, और मतलब आप शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हो कितने थक गए हैं। और हमने नंगे पैर यात्रा की थी तो पैरों की भी बहुत गंदी बैंड बजी।
जाते हुए भगवान वापस। तो भाई अगर वो जब उस टाइम पे सो वी आर लिविंग उससे क्या होता कि हम कटरा पर नीचे चले जाते, पर हम अर्थकुमारी की भी चढ़ाई करके आए। अरे मैं आपके लिए सोच उजाला हो गया था ना, हमें लगा आप उजाले से पहले नीचे मतलब उतरना स्टार्ट कर दोगे। अरे नहीं उजाला हो गया था क्योंकि कह रहे वो कह रहे थे थोड़ा सा ही ऊपर है। अरे दो चार नहीं तुम्हारा से बताओ तेरा इन सब का अच्छा डिसीजन था ऊपर ना जाने का, क्योंकि बहुत ही नहीं चढ़ा जाता मेरे पे तो फिर नहीं चढ़ा जाता। मेरे पैर भाप रहे थे, मैं कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं कर दिया, नहीं तो बोल कैसे। दो चार लोग थे तो वो जा रहे थे और एक अंकल आ रहे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि कितना है, तो अंकल इतने तेज कह रहे ज्यादा नहीं है 1.5 किलोमीटर पूरा आधे से ज्यादा रास्ता रह रहा था। उच्ची भी कह रहा है मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा, जो वो हड्डी है ना उसकी, कह रहा पैर फूट भी गया था। सो गाइस ये है हमारी ट्रेन, तो इट्स अ इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन ऐसा मैंने सुना है, वंदे मातरम। तो अब हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं ट्रेन की तरफ, मतलब घर 11 बजे पहुँचे। जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। पूरा ही बोला था साथ में क्यों मिले मेरे साथ उसको ले ली ले ले बोल साचे दरबार जय। गाइस स्वाद आ गया बैठ के। गाइस इसने क्रीम चाट ली, इतनी बुरी लग रही हूँ। क्या मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए। हमें घर पहुंचा तो जल्दी, अभी 3 बज रहे हैं, हम 11 बजे तक घर पहुंचेंगे। सो गाइज ये कुछ 1.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा था और बहुत दर्दनाक रहा था। और उसके क्या कर लिया था वो आशी जो इतनी स्लो चल रहा, सबके तो भग रहे थे इतनी जोर की, उसकी पूछ भी नहीं थी। मुझे डाउट तो हो रहा था लेकिन वो घोड़ा ही था, गधे की पूछ होती पहले ही होता। गधे की पूछ नहीं होती तेरी तो नहीं। बदतमीज तेरी है ना? तेरी है कुछ भी बोलेगी, मुंह से कुछ ना कुछ निकालना है तो कुछ तो बोलेगी, कैसे ना बोले, ऐसे कैसे ना बोले। कल चढ़ाई करके तब तो उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। इतना सा मुंह हो गया था गाइस इसका, इतना सा इसका बड़ा, इतना बड़ा हो गया था इनका भी इतना सही। और और अब देखो कितनी जुबान चल रही है, कम बोलेगा मेरे से बड़ी दीदी हूँ तेरी। मेरे से ज्यादा बुरा हाल था। गोली मेरे से ज्यादा तेरे से बहुत ज्यादा बुरा हाल था मेरा। मेरे अब भी पैरों में ना दिखानी, मेरे इंसान अगर दिखा नहीं रहा तो उसका ज्यादा बुरा हाल नहीं है। मैंने दिखाया नहीं, गोली तो सही चल रही थी फिर भी देख रहे थे, तुझे भगवान देख रहा बोल तू। अरे तू सही चल रही पागल, क्यों सही चल रही थी आपकल ऐसे ऐसे चलती थी, आपकल ऐसे ऐसे चलती सही चल रही थी। तूने चल रही सही, तू फिर टांग उठा के, मैं बहुत स्लो चल रही थी, तुम मुझसे आगे आगे तो तू आप अगर हम खारी भाई थी स्टार्टिंग से ही स्लो थी। इसने स्टार्टिंग ही स्लो करी थी, स्टार्टिंग में कौन सा ही घोड़े की तरह भग रही थी। बस मेहनत देखी मेरी कितनी, नहीं देखी थी नहीं देखी कहाँ से। ये व्लॉग चल रहा है ना तो थोड़ा सा इतरा दिए, खैर इसे छोड़ो। हाँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग था। तो अब आपको पता ही है आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना और
और व्लॉग कैसा लगा वो मुझे बताना कमेंट में, और बेस्ट पार्ट भी बताना क्या लगा सबसे अच्छा। और अभी बस हम घर मतलब पहुंचेंगे थोड़ी देर में, तो मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।